ओम शांति। 20 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे साय 4 बजे गूगल मीट पर यूट्यूब पर लाइव चैट करते हैं। सामने भाई बहन बैठकर मुरली सुनते हैं और कुछ भाई बहन जो बाद में मुरली रिकॉर्डेड मुरली को सुनते हैं। हम सभी इसको बहुत ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और जो हमें बात समझ में नहीं आती वे हम विचार सागर बैठकर मंथन करते हैं। और वो भाई बहने जो बाद में मुरली सुनते हैं वो भी अपने संदेश को विचार को नीचे लाइन में दिखाई दे रहे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेजते हैं, उसको भी हम मुरली में जोड़ देते हैं, उसकी भी चर्चा सबके बीच में हो जाती है ताकि सभी उसका लाभ उठा सके। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें योग बल से इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है। खारी चैनल, दुख देने वाला चैनल, दुख देने वाली नदी, दुख देने वाला सागर, जिसे गरुड़ पुराण में विषे वैतरणी नदी कहा गया है। उस विषे वैतरणी नदी के बारे में वर्णन है कि आत्मा को अपने सूक्ष्म शरीर से उसमें से गुजरना होता है और उसके अंदर अनेक प्रकार के विषैले जीव, बिच्छू, टिंडन, सांप, कीड़े, बहुत पस, खून, ऐसा ऐसा होता है जिसमें से उसे गुजरना पड़ता है। यदि कोई स्वयं गाय दान करके गया हो या उसके बच्चे गाय दान कर दें तो गाय उस आत्मा को अपनी पीठ पर बिठाकर पार कर देती है जिससे वे उन कष्टों से बच जाता है। बाकी तो गपोड़ा कुछ भी है परंतु इसमें एक बात, गौ का अर्थ आत्मा भी होता है और गौ का अर्थ गाय भी होता है। तो वास्तव में जो आत्मा समर्पित हो जाती है, दान हो जाती है, कुर्बान हो जाती है परमपिता परमात्मा पर, परंतु यहां कोई दूसरा दान नहीं कर सकता। यदि स्वयं अपने आप को बाप पर कुर्बान कर दे तो इस संसार के जो दुख हैं, जो कष्ट क्लेश हैं, जो ये परिवार के लोग, जो बिच्छू, टिंडन, सांप, अनेक प्रकार के कीड़ों की तरह चिपके हुए हैं, जो अनेक प्रकार के दुख देते हैं, और आत्मा समझ लिया, बाप पर कुर्बान हो गए तो उन्हें इन दुखों की अनुभूति नहीं हो सकती, वो इन दुखों को अनुभव करने से बच जाता है। तो वास्तव में गाय दान करने से कुछ मिलने वाला नहीं, गाय दान करने से कोई दुखों से बच नहीं सकता, परंतु आत्मा को बाप पर कुर्बान करने से वो संसार के इस नरक के जितने भी आने वाले कष्ट हैं, दुख हैं, वो उन सब को सहज रीति से सामना कर सकता है, सहज रीति से उन पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए जहां जाना है उसे याद करो। हमें जाना है शांति धाम, हमें जाना है सुख धाम,
तो उनको याद करो, इसी खुशी में रहो कि हम अभी फकीर से अमीर बनते हैं। कल वाली मुरली में हमने पढ़ा था कि जब तक हम बैगर नहीं बनेंगे तब तक हम स्वर्ग के प्रिंस नहीं बन सकते। जब हम इस संसार की हर वस्तु से नष्टो मोहा बन जाएंगे, किसी संसार की वस्तु को मेरा नहीं कहेंगे, तब हम संसार से मुक्त होकर और अमीरों के स्वर्ग के जो सुख है, उच्च पद है, राजाई पद है, उसे प्राप्त कर सकेंगे। फकीर से अमीर बनते हैं, पहले हमें फकीर बनना होगा फिर हम अमीर बनेंगे। प्रश्न, दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है उनकी निशानी क्या होगी? दैवी गुणों के सब्जेक्ट हमारे चार सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, बाकी दो कौन से हैं भाई? दो तो मुझे याद है, दो धारणा और सेवा। क्या धारणा? दैवी गुणों की धारणा और सेवा। तो दैवी गुणों को धारण करना ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए बाबा ने इसको लिया कि जिनकी बुद्धि में है कि मुझे अब भी अपने में दैवी गुणों को धारण करना है, तब मैं क्या बनूंगा? सत्युग का देवता बनूंगा। बिना दैवी गुणों को धारण किए मैं सत्युग का देवता बन नहीं सकता। तो देवी गुणों की धारणा के सब्जेक्ट पर जिसका पूरा पूरा ध्यान होगा, पूरा पूरा ध्यान होगा, उसकी निशानी क्या होगी? उनकी बुद्धि में रहता है जैसा कर्म हम करेंगे, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख दूसरे करेंगे, हमें देखकर दूसरे करेंगे, कभी किसी को तंग नहीं करेंगे, अनेक उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा, कभी भी उनके मुख से उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देंगे, बाप समान सुख देने का लक्ष्य है। बाप समान हमें क्या है? सुख देने का लक्ष्य है। तब कहेंगे देवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान है, हमें देवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान है। क्योंकि जब हम अपने अंदर देवी गुण धारण कर रहे हैं तो हमारे जीवन में कोई आसुरी गुण रहेगा ही नहीं। यदि कोई आसुरी गुण है उसको निकालेंगे तो देवी गुण हमारे जीवन में आएगा, और यदि हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं फिर हम किसी के साथ आसुरी व्यवहार कर नहीं सकते। तो जब हम आसुरी व्यवहार नहीं कर रहे हैं तब समझा जाएगा कि देवी गुणों की सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, याद की यात्रा भी सिखला रहे हैं। याद की यात्रा समझ में आ रहा है ना? याद की यात्रा का अर्थ भी बच्चे समझते होंगे, बाबा बता नहीं रहे हैं, बाबा को पता है, सारे बच्चे समझ गए हैं याद की यात्रा। कोई एक बताए। हाँ जी, निरंतर बाबा की श्रीमत पे चलना। अभी अधूरा है ये, पूरा कौन करेगा इसको? बाबा की श्रीमत के अनुभवी। अनुभवी ये थोड़ा आगे चले गए, बीच में रह गया कुछ, कौन करेगा पूरा इसको? आत्मिक स्थिति में रहकर कर्म करना। नहीं जी, अभी पूरा नहीं। कोई और बताओ। नहीं, जैसे प्रेम के आग में जल,
नहीं हाँ क्या आगे बढ़ना, यात्रा का मतलब है आगे बढ़ना। यात्रा तभी हुई जब हमारे में सुधार आ रहा है। याद की यात्रा का मतलब है आत्मा समझ परमात्मा की याद में श्री मत पर चलते चलते अपने में सुधार होना चाहिए। हर पल मेरे में थोड़ा सा तो सुधार आना ही चाहिए, तब तो मैं यात्रा कर रहा हूं। यदि मेरे अंदर हर सेकंड सुधार नहीं आ रहा तो मैं वहीं के वहीं खड़ा हो गया हूं। अब कई बच्चे हैं जो ज्ञान में आ जाते हैं, जिस दिन आते हैं जैसे वैसे थे, आज भी वैसे के वैसे हैं। क्या फर्क पड़ा? अब एक बच्चा स्कूल में एडमिशन ले, 10 साल हो गए, पहली क्लास में खड़ा है, क्या आगे बढ़ा? याद की यात्रा कहां हुई? यात्रा माना आगे बढ़ना। हम बाबा की श्रीमत पर हर पल अपने में सुधार कर रहे हैं, तब तो हम याद की यात्रा पर हैं। यदि हम स्वयं का सुधार नहीं कर रहे हैं तो हम याद की यात्रा पर नहीं है। ये बाबा बड़ी अजीब अजीब बातें। बाबा की श्रीमत में निरंतर चलेंगे तो सुधार तो होगा ना? नहीं जी नहीं, 10 साल से स्कूल में पढ़ रहे हैं, पहली क्लास में खड़े हैं, क्या सुधार हुआ? क्या सुधार हुआ? सुधार चाहिए, अगली क्लास में आना चाहिए, खाली यही अंतर है। याद की यात्रा शब्द के अंदर ये विशेष बात को ध्यान देना है, जहां यात्रा आ गई है वहां आगे बढ़ना चाहिए। बाबा ने मुरली में एग्जाम्पल इसीलिए कोट किया, एक बाबा ने एग्जाम्पल क्या वहां पर दिया, एक साइकिल होती है जो आप देखते हैं घर में खड़ी होती है, बस वो उसके ऊपर बैठकर चलाते हैं, वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, और एक साइकिल होती है जिस पर रोड पर चलाते हैं। रोड पर चलाता है तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चला जाता है, और जो घर में खड़े होकर के साइकिल चलाता है वो वहीं का वहीं खड़ा है। मेहनत वो भी कर रहा है, मेहनत वो भी कर रहा है, कहता वो बेकार है, वहीं क्या वहीं खड़ा, पहली क्लास में खड़ा, तुम देखो तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चले गए ना, दूसरी क्लास तीसरी क्लास चौथी क्लास में आ गए ना। ये यात्रा है, वो यात्रा थोड़ा है। हम रोजाना अपने में सुधार लाना, हाँ सुधार को चेक करना है। भाई जी श्रीमत में चल रहे तो सुधार तो ऑटोमेटिक आएगा ना? नहीं आता। रोजाना श्रीमत में चल रहा है, हाँ श्रीमत पर चल रहा है बहन जी। सवेरे भी मुरली सुनता है, शाम को भी मुरली सुनता है, रात को योग करता है, सवेरे योग करता है, सारा कुछ करता है। में सुधार नहीं आती, पर तू खड़ा वहीं के वहीं है। जिनमें सुधार नहीं आई, जीवन में कोई सुधार नहीं आया, सारा श्रीमत पर मैंने ही चलना है क्या? कोई और कुछ और भी तो चलेंगे ना, सारा मैंने ही सुधरना है क्या? दूसरे कुछ नहीं सुधरेंगे क्या? सुधार देखो, बाबा कहते हैं सुधार को चेक करो। याद की यात्रा में सुधार को चेक करना है कि मेरे में कल से और आज में कुछ सुधार आया, 1 घंटा पहले से अगले घंटे में मेरे में कोई सुधार आया है, या मैं वहीं का वहीं हूं। ये बहुत खतरा, हाँ चेक और चेंज साथ साथ, और देखना नोट करना, ये नहीं चेक किया मैं पीछे हो गया हूं, फिर चेक किया हाँ मैं आगे आ गया हूं, फिर चेक किया मैं पीछे चला गया हूं, फिर चेक किया फिर मैं वहीं आ गया हूं, खड़ा मैं वहीं के वहीं हूं ना। ये भी चक चेंज हो रहा है, एक बार गिर गए और एक बार चढ़ पड़े, चेंज तो हो रहा है ना, चेक भी कर रहे हैं चेंज भी कर रहे हैं। दोस्त आ गए थे इसलिए मैं गिर गया था, अब मैंने चेक किया फिर मैंने अपने आप को वापिस अपनी उस जगह पर ले आया, तो भी याद की यात्रा नहीं है। बहुत ध्यान से समझना है, यात्रा मीन्स मुझे आगे बढ़ना है। चेक एंड चेंज में भी गड़बड़ ले जाती है, इसको बहुत करेक्ट करना है। ये याद की यात्रा शब्द पर बहुत मुरली चली थी, पूरी वंडरफुल मुरली थी। याद की यात्रा का अर्थ भी बच्चे समझते होंगे, बाबा कहते हैं मैंने बता दिया, बच्चे समझते होंगे, इसलिए बाबा ने रिपीट नहीं किया। अच्छा हुआ रिपीट हो गया और सबको समझ में आ गया। भक्ति मार्ग में भी सब देवताओं को शिव बाबा को याद करते हैं, भक्ति मार्ग में भी सब देवताओं को शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु ये पता नहीं था कि याद से ही विकर्म विनाश होंगे, ये पता नहीं था।
बच्चे जानते हैं बाप पतित पावन है, वही पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। आत्मा को ही पावन बनना है, आत्मा ही पतित बनती है। बच्चे जानते हैं भारत में ही बाप आकर याद की यात्रा सिखलाते हैं, याद की यात्रा सिखलाते हैं, और कहां भी सिखला ना सके। जिस्मानी यात्राएं तो बच्चों ने बहुत की हैं, ये यात्रा सिर्फ एक बाप ही सिखला सकते हैं। अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, माया के कारण सबकी बुद्धि को बेसमझी का ताला लगा हुआ है। माया के कारण सबकी बुद्धि को बेसमझी का ताला लगा हुआ है। अभी बाप द्वारा तुमको मालूम पड़ा है कि हम कितने समझदार, धनवान और पवित्र थे। हम सारे विश्व के मालिक थे, अब हम फिर बन रहे हैं। बाप कितनी बड़ी बेहद की बादशाही देते हैं। लौकिक बाप करके लाख करोड़ देंगे, यहां तो मीठा बाप, बेहद का बाप, बेहद की बादशाही देने आए हैं। इसलिए तुम यहां पढ़ने आए हो। किसके पास, किसके पास पढ़ने के लिए आए हो? बेहद बाबा के पास। बाबा अक्षर मम्मा से भी मीठा है। ये क्यों हो गया भाई? मां ज्यादा मीठी होती है कि बाप ज्यादा मीठा होता है? बाप ज्यादा मीठा होता है, बाप ज्यादा मीठी होती है। हाँ, मां ज्यादा मीठी होती है, बाप कहां से मीठा होगा? वो मारता है, बाप होता है। अरे बाप बाप से वर्षा, बाप से वर्षा मिलता है। तो हाँ बिल्कुल, माँ भी तो बाप से लेके आनी देती है। अच्छा, ये भी चक्कर है, मतलब पैसे रिश्तेदार बनते हैं। हाँ जी, बाप की बत्ती प्रॉपर्टी के रिश्तेदार बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, हमारे बाप ने मम्मा को, जो ब्रह्मा बाबा है उसको पहले लूट लिया, उसके पास कुछ भी नहीं रखा जो कोई बच्चा उससे ले सके, इसलिए सारा कुछ बाप से मिलता है। यहाँ माँ भी शिव बाबा है, बाप भी शिव बाबा है, दादा भी, नानी भी, बच्चा भी, दोस्त भी, सखा भी, साजन भी, सारा कुछ शिव बाबा बन जाता है। इसलिए यहाँ लौकिक रीति से हम इसको नहीं देख सकते, ये हम पारलौकिक रीति से देखेंगे कि शिव बाबा से ही हमें वर्षा मिलना है। बेहद बाबा के पास, किसके पास आए हैं? बेहद के बाबा के पास आए हैं। बाबा अक्षर मम्मा से भी मीठा है, मतलब ब्रह्मा मां से भी मीठा अक्षर है बाबा। बल मम्मा पालना करती है, परंतु बाप फिर भी बाप है, बाप फिर भी बाप है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। शिव बाबा से हमें बेहद का वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से हमें नहीं मिलता। ब्रह्मा मां से हमें कोई हद का वर्षा, बेहद का वर्षा कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि उसको पहले शिव बाबा ने लूट लिया। बस तेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ मेरा है, अब वो दे तो किसको क्या दे। जो देता है ब्रह्मा बाबा, तो वो भी शिव बाबा से लेकर देता है, बिना शिव बाबा से लिए दे नहीं सकता, क्योंकि उसके पास ना कुछ था, ना है, ना होगा। तो ऐसे ही बाबा कहते, तुम भी मेरी सजनी बन जाओ और मेरे से लेकर सबको दे दो, तुम्हारी भी सगाई मेरे साथ हो गई और हम सबके साथ भी शादी करने के लिए तैयार है, बना लो मुझे अपना साजन बना लो, परंतु दूंगा मैं, मेरे से लेके तुमने देना है, ये बात हमें याद रखनी। परंतु बाप फिर भी बाप है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, तुम सदा सुखी और सदा सुहागिन बन रहे हो। बाबा हमको फिर से क्या बनाते हैं, ये कोई नई बात नहीं। गायन भी है, सुबह को अमीर था, रात को फकीर था, सुबह को अमीर था, रात को क्या था? फकीर। ये किसका गायन है? बाबा कहते हैं तुम्हारा गायन है। तुम भी सुबह में अमीर, जब सवेरा हुआ, सतयुग हुआ, सारे तुम क्या थे? अमीर थे, और अब
और कलयुग रात आ गई है, फकीर बन गए हो, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, दर दर मांगते फिरते हो। बाबा रोज रोज स्मृति दिलाते हैं, बच्चे कल तो तुम विश्व के मालिक अमीर थे, आज तुम फकीर बन गए हो, अब फिर सुबह आने वाली है तो तुम अमीर बन जाते हो। कितनी सहज बात है, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए अमीर बनने की। ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात, अब दिन में तुम अमीर बन रहे हो और बनने भी बनेंगे भी जरूर, बनेंगे भी जरूर, बन रहे हो और बनोगे भी जरूर। परंतु नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बात कहते हैं, ये वे खारी चैनल है, ये वे खारी चैनल है जिसे तुम ही पार करते हो, और वो भी कैसे पार करते हो, योग बल से। वो शब्द था याद की यात्रा और ये शब्द है योग बल। क्या अंतर है दोनों में, योग बल और याद की यात्रा में क्या अंतर है? याद की यात्रा अपने अंदर सुधार लाना। योग बल बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी, और याद की यात्रा अपने अंदर हर पल सुधार लाते जाना। जहां जाना है उनकी याद रहनी चाहिए। हमको अब घर जाना है, बाबा खुद आया है हमको लेने के लिए, बहुत प्यार से समझाते हैं बाबा, हमें बहुत प्यार से समझाते हैं। क्या समझाते हैं बाबा? देवी गुण धारण करो, देवी गुण धारण करो, अब घर जाना है, अब घर जाना है। बाबा खुद आया है हमको ले जाने के लिए, ये और खुशी की बात है। खुद बाप हमें लेने के लिए आया है परम धाम से, बहुत प्यार से समझाते हैं, समझा भी बाबा खुद रहे हैं हमें, कितना नशा दे रहे हैं बाबा, समझा भी खुद रहे हैं। मीठे बच्चे तुम ही पावन थे, 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर पावन बनना है, पावन बनने का और कोई उपाय नहीं। तुम जानते हो पतित पावन आते हैं, पतित पावन आते हैं, और तुम उनकी मत पर चल पावन बनते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है कि हम ये पद पाएंगे। बाप कहते हैं तुम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनेंगे। बाप सुख दाम का, रावण दुख दाम का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो, तुम बच्चे अभी जानते हो रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, जिसने तुमको 5 विकारों रूपी पिंजरे में डाला है। बाप आकर निकालते हैं, जितना जो बाप को याद करते हैं उतना औरों को भी परिचय देते हैं। याद ना करने वाले देह अभिमान में होंगे, वे ना बाप को याद कर सकते ना बाप का परिचय दे सकते हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, घर से यहां आए हैं बिन बिन पाठ बजाने। सारा पाठ कैसे बजता है ये भी तुम्हारी बुद्धि में है, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। जिनको पक्का निश्चय है वे आकर यहां रिफ्रेश होते हैं। ये कोई ऐसी पढ़ाई नहीं, ये कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जो तुमको टीचर के साथ ही रहना है, नहीं, अपने घर में रहते भी पढ़ाई कर सकते हैं। सिर्फ 1 हफ्ता अच्छी तरह समझो, फिर ब्राह्मणिया कोई को 1 मास में, कोई को 6 मास में, कोई को 12 मास के बाद ले आती है। बाबा कहते हैं
निश्चय हुआ और भागा, क्योंकि जब तक उसको निश्चय नहीं तब तक उसे बाबा के पास लेकर नहीं आओ। राखी भी बांधनी है। कौन सी राखी बांधनी है? कि हम विकार में नहीं जाएंगे। हम शिव बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे बच्चों तुमको निर्विकारी जरूर बनना है। अगर विकार में गए तो की कमाई चट 100 गुना दंड पड़ जाएगा। की कमाई चट हो जाएगी और 100 गुना दंड पड़ जाएगा। 63 जन्म तुमने गोते खाए, अब कहते हैं पवित्र बनो। मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। आत्मा भाई भाई है, जिसके किसके नाम रूप में फंसना नहीं है। अगर कोई रेगुलर नहीं पढ़ता है तो जल्दी में नहीं ले आना चाहिए उसको। जल्दी जल्दी मधुबन मत ले आओ, नहीं लेके आओ उनको। फल बाबा कहते हैं एक दिन में भी तीर लग सकता है, परंतु समझ से भी काम लेना है। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम, ये तुम्हारा बहुत ऊंचा कुल है, वहां कोई सत्संग आदि होते नहीं। सत्संग भक्ति मार्ग में होता है। तुम जानते हो सत का संग तारे, सत का संग मिलता ही तब है जब सतयुग की स्थापना होनी होगी। ये किसी की बुद्धि में भी नहीं आता, किसकी बुद्धि में भी नहीं आता, क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है। अब सतयुग में जाना है, सत का संग मिलता ही है। कब मिलता है? पुरुषोत्तम संगम युग पर। वे गुरु लोग तो संगम युगी है नहीं। बाबा जब आते हैं तो बेटा बेटा कहे बुलाते हैं। उन गुरु लोगों को तुम बाबा थोड़े ही कहेंगे, एकदम बुद्धि का को गोदरेज का ताला लगा हुआ है। बाबा आकर ताला खोलते हैं। बाबा देखो कितनी युक्ति रचते हैं कि मनुष्य आकर हीरे जैसा जीवन बनाए। मैगजीन किताब आदि छपाते रहते हैं। बहुतों का कल्याण हो तो बहुतों की आशीर्वाद भी मिलेगी। प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने को बंधन से छुड़ाना चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ सर्विस तो जरूर करनी है, ईश्वरीय सर्विस होती है सिर्फ सुबह और शाम को, सिर्फ सुबह और शाम को। उस समय सबको फुर्सत है। जिसके साथ तुम लौकिक सर्विस करते हो उनको भी परिचय देते रहो कि तुमको दो बाप हैं, तुमको दो बाप हैं। लौकिक बाप सबका अलग है और पारलौकिक बाप सबका एक है, वे सुप्रीम है। बाबा कहते हैं मेरा भी पार्ट है। अब तुम बच्चे मेरा परिचय जान गए हो, आत्मा को भी तुम जान गए हो। आत्मा के लिए कहते हैं ब्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, वे अकाल तख्त भी है। आत्मा को कभी काल नहीं खाता, वे सिर्फ मैली और साफ होती है। आत्मा का तख्त शोभता भी ब्रिकुटी के बीच में है, बीच है। तिलक की निशानी भी यहां देते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आपे ही राज तिलक देने के लायक बनाओ, अपने को आपे ही राज तिलक देने के लायक बनाओ। बाबा नहीं बनाएगा, बाबा तो सिर्फ रास्ता दिखाएगा। अपने आप को बनाओ खुद, ऐसे नहीं
कि मैं सबको राज तिलक दूंगा, तुम अपने को दिलाओ। बाबा जानते हैं कौन बहुत सर्विस करते हैं, मैगजीन में भी लिखत बहुत अच्छी आती है, साथ साथ योग की मेहनत भी करनी है जिससे विकर्म विनाश हो। दिन प्रतिदिन तुम अच्छे राजयोगी बन जाएंगे, समझेंगे जैसे कि अब शरीर छूटता है, हम चले जाते हैं सूक्ष्म वतन तक, तो बच्चे जाते हैं मूल वतन को भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम आत्माओं का घर है, मनुष्य शांति धाम के लिए ही भक्ति करते हैं। सुख धाम का तो उनको मालूम ही नहीं है, स्वर्ग में जाने की शिक्षा तो कोई दे नहीं सकते। बाप के सिवाय ये प्रवृत्ति मार्ग है, दोनों का को मुक्ति धाम में जाना है। वो लोग उल्टा रास्ता बताते हैं, जाता कोई भी नहीं, सभी को पिछाड़ी में बाप ले जाएंगे, ये उनकी ड्यूटी है। कोई अच्छी रीति पढ़कर राज्य भाग्य ले लेते, वो अच्छी तरह पढ़ते हैं तो अपने लिए राज्य का भाग्य प्राप्त कर लेते हैं, बाकी सब कैसे पढ़ेंगे? बाकी सारे तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे ना, सब कैसे पढ़ेंगे? वे जैसे नंबर वार आते हैं, ये लाइन समझ में आ रही है, ध्यान से देखना, सब कैसे पढ़ेंगे? वे जैसे नंबर वार आते हैं वैसे नंबर वार जाएंगे। ये किसको समझ में आया है जरा बताएंगे? भाई जी आत्माओं के लिए कहा है, हाँ, जब हम ब्रह्म धाम से आते हैं जिस नंबर से आते हैं उसी से ही वापस फिर परम धाम वापस जाना है, उसी से ही हमको परम धाम वापस जाना है। जो सबसे पहले आता है सबसे पहले जाता है, जो सबसे पहले आते हैं वही सबसे पहले जाते हैं। और भाई जी, बात है, भाई जी, हाँ जी, एक 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 बोलो। हाँ जी, संतोष सेठी बोलो, सैनी बोलो। भाई जितने परसेंट हम पवित्र बन के आए थे इतने परसेंट हम पवित्र बन के जाएंगे। हाँ, कोई 80 वाला आया था तो 80 बन के जाएगा, 60 वाला आया था तो 60 बन के जाएगा, जैसे आए थे उसी नंबर पर हर एक को अपना हिसाब किताब बराबर करके उसी नंबर पर जाना है। बबीता ने कुछ पूछना है? बबीता कुछ पूछना है? फिक्स है। हाँ, ये फिक्स है, हर एक का फिक्स है, हर एक आत्मा का। जो 76 है तो 76 पर ही जाएगी, 76 पर आई थी 76 पर जाएगी, 90 पे आई थी तो 90, जितने पैसे लेकर के आई थी उतने पैसे उसको वापस लेके जाने हैं। जैसे आपने अपना बिजनेस शुरू किया था, आप इस दुनिया में आए थे, मान लो आप 80% पर आए थे, आपने धीरे धीरे खर्च करना शुरू किया, मान लो आप 80 रुपए लेकर के आए थे, आपने 1000 किससे लिया, 2000 किससे लिया, लाख किससे लिया, करोड़ किससे लिया, और दुनिया भर का आपने पैसा इकट्ठा किया, व्यापार किया, परंतु जिससे आपने जितना पैसा लिया था उसको आपने उतना पैसा वापस करना है, और जिससे दिया था उससे लेना है। तो जब लेना देना बराबर करेंगे आखिरी टाइम जब जाने का आएगा तो आपके पास 80 रुपए ही होंगे। पुरुषार्थ भी, पुरुषार्थ हाँ, प्रसाद निश्चित है, करना भी ड्रामा में है, ड्रामा में निश्चित है बिल्कुल, जिसके पार्ट में नहीं है वो नहीं। बताया, हाँ जी, कि जो सबसे पहले आया है वही सबसे पहले जाएगा, बाबा तो ऐसा नहीं करते कभी, वो तो एक साथ ही जाने की बात करते हैं। मैंने पहले जाने का नहीं कहा, मैंने आपको ये बताया कि जो व्यक्ति, एक व्यक्ति 100% पवित्र इस धरती पर आया था, एक व्यक्ति 80% पवित्र आया, एक व्यक्ति 60% पवित्र आया, एक 20% पवित्र आया और एक 5% पवित्र आया। अब जब उसने वापस घर जाना है तो 5% वाले ने अपने आप को 5% ही पवित्र बनाना है और घर चला जाएगा, और जो 60 वाला है तो 60 बनाएगा, 80 वाला है तो 80% पवित्र बनाएगा। वो इतना पुरुषार्थ करेगा जितनी पवित्रता पर वो आया था
उस पवित्रता को वो दोबारा प्राप्त कर ले, परंतु जाएंगे सारे एक साथ। बबीता भाई बोलो, क्या पूछना है आपने? बबीता चौहान हाथ खड़ा करके सो गई। चौधरी बबीता चौधरी बोलो, माइक खोलो फिर बोलो। पूछ लिया बाबू जी उन्होंने। अच्छा पूछ लिया, ठीक। बाकी सब कैसे पढ़ेंगे? वो जैसे नंबरवार आते हैं वैसे नंबरवार जाएंगे। इन बातों में जास्ती समय वेस्ट मत करो, इन बातों में अपना समय खराब नहीं करो। हर एक आत्मा ने अपने जितना पुरुषार्थ है करना था उतना पूरा पुरुषार्थ करेंगे। कहते हो बाबा को याद करने की भी फुर्सत नहीं मिलती। बच्चे क्या कहते हैं? बाबा याद करने की फुर्सत नहीं मिलती है, फिर इसमें समय क्यों वेस्ट करते हो? ये तो निश्चय है कि बेहद का बाप टीचर गुरु भी है, फिर दूसरे कोई को याद करने की जरूरत ही नहीं। तुम जानते हो कल्प पहले भी श्री मत पर चलकर हम पावन बने थे, घड़ी घड़ी चक्र भी फिराते रहो। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। ब्रैकेट में लिखा है नार रहट का मिसाल। आप में से किसी ने नार या रहट देखा है? जिससे खेतों में पानी लगाते हैं, हाँ, जो बुजुर्ग बैठे हैं पुराने हैं उन्होंने देखा है। तो पानी इतने चले पटते चले अंदर को जाती चले खाली है क्या? हाँ अंदर नीचे जाते हैं, हाँ ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आती है, नीचे से ऊपर नीचे से लाती है, धार से फिर नीचे काट जाती है, हाँ नीचे फिर भर के लेके आती है। यानी वो जो रहत हुआ करते थे, आजकल तो ट्यूबवेल आ गए और दुनिया भर का सामान आ गया। ज्ञान सागर से तुम्हें भरने में देरी नहीं लगती, तुम आते हो ज्ञान सागर के पास और उसे भरकर ले जाते हो। खाली होने में देरी लगती है, तुम हो मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चे, भरने में देरी नहीं लगती, खाली होने में देर लगती। कैसे पता लगा? भरने में देरी नहीं लगती, खाली होने में देरी लगता है। कैसे हमने मान लिया ये? क्या कहता है? भरने का टाइम है 100 साल। अच्छा खाली करने का टाइम है 5000। अच्छा ये चक्कर है, ठीक है ठीक है। भरने में तो 100 साल का टाइम दिया, जितना भरना है 100 साल में भर लो, परंतु खाली करने में आपको इस पृथ्वी पर लास्ट तक, कोई 500 साल के लिए आएगा, कोई 1000 साल के लिए आएगा, कोई 2000 साल के लिए, कोई 5000 साल के लिए भी, 4999 साल के लिए भी इस धरती पर पार बजाने आएगा। जब भी पार बजाने आएगा खाली होना शुरू, जितना भरा होगा उसी हिसाब से आएगा। तुम मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे, क्योंकि कल्प बाद आकर मिले हो, ये पक्का निश्चय चाहिए। हम 84 जन्मों के बाद फिर से आकर बाप से मिले हैं। बाप कहते हैं जिसने पहले भक्ति की है वही पहले ज्ञान लेने के लायक भी बने हैं, क्योंकि भक्ति का फल चाहिए। तो सदैव अपने फल अथवा वर्षे को याद करते रहो। फल अक्षर भक्ति मार्ग का है, वर्षा ठीक है। बेहद बाप को याद करने से वर्षा मिलता है और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, भारत का प्राचीन योग मशहूर है। कौन सा योग है प्राचीन? सहज राज योग। और ये सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई सिखा नहीं सकता। वो समझते हैं हम भारत का प्राचीन योग सीखते हैं, बाबा समझाते हैं, वे ड्रामा अनुसार हठ योगी बन जाते हैं। राज योग अब तुम सीखते हो, क्योंकि अब संगम युग है, उन्हों का धर्म अलग है। वास्तव में उनको गुरु करना नहीं चाहिए, परंतु ये भी ड्रामा अनुसार फिर भी करेंगे जरूर।
तुम बच्चों को अब राइटियस बनना है, रिलीजन में ही ताकत है। तुमको जो मैं देवी देवता बनाता हूँ, ये धर्म बहुत सुख देने वाला है। मेरी ताकत भी उनको मिलती है जो मेरे से योग लगाते हैं। तो बाप जो खुद धर्म स्थापन करते हैं, उनमें बहुत ताकत है। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप इस धर्म की महिमा करते हैं कि इसमें बहुत माइट है। ऑलमाइटी बाबा से माइट बहुतों को मिलती है। वास्तव में माइट सबको मिलती है, परंतु नंबर वार तुमको जितनी माइट चाहिए उतनी बाबा से लो। फिर देवी गुणों की सब्जेक्ट भी चाहिए। किसको तंग नहीं करना, दुख नहीं देना, ये कभी किसको उल्टा सुल्टा शब्द नहीं कहते। जानते हैं जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। आसुरी गुणों से देवी गुणों में आना है, देखना है हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो किसको दुख नहीं देता हो। कुछ ना कुछ भूले होती जरूर है। वो अवस्था तो अंत में ही आएगी जो मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख ना देवे। किसको दुख अभी करती होगा। हाँ जी अभी करती, अभी मतलब गलती होगा। कुछ ना कुछ भूल होती तो है ना जरूर। वो अवस्था अंत तक, अंत में ही आएगी जब आपसे कोई गलती नहीं होगी। जो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख ना दे रहे, उस अवस्था तक पहुंचने में मेहनत तो करनी है ना। अपने धीरे धीरे वो अवस्था बन जाएगी, किसी को दुख ना देवे। इस समय हम पुरुषार्थी अवस्था में हैं। हर बात नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार होती है। हाँ भी नरेंद्र भाई क्या कहती है भाई जी। जो ये हमारा कर्मातीत अवस्था है ना, वो हमारे संगम के जन्म में अंतिम में ही होता है या हर जन्म में लास्ट में होता है। कर्मातीत अवस्था वास्तव में सिर्फ परम धाम में होती है। जब हम परम धाम जाने वाले होते हैं, परम धाम में होते हैं, जाने वाले होते हैं, तो हम परम कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के पुरुषार्थी रहते हैं। उससे पहले वाले जन्मों में नहीं होंगे। इस संसार को कर्म क्षेत्र कहा जाता है। कर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, हम क्या करेंगे, कर्म तो करेंगे ना। हमारा देखना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, चलना भी कर्म है, जो कुछ भी हम सारा कर्म ही तो कर रहे हैं। खाना पीना उठना बैठना ये वो, जितना सारा दिन काम 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 के बिना कभी रहते हैं, रह ही नहीं सकते। जब श्वास लेना ही कर्म है तो फिर बताओ कब हम बिना कर्म के रहेंगे। तो जितना जितना हम अपने इस देह और देह के संबंध से डिटैच होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा कर्मों का हिसाब किताब कम होता जाता है, कम होता जाता है, हर पल कम होता जाता है। सभी पुरुषार्थ सुख के लिए ही करते हैं, परंतु बाप बिगर कोई सुख दे ना सके। देखा जाता है सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात थे, वे सब कहां से आए, कैसे सौकार बने। सारा दिन इस पढ़ाई के चिंतन में रहना चाहिए, गृहस्थ व्यवहार में रहे, कमल पुष्प समान पवित्र बनना है। तुमने ये पुरुषार्थ किया है तब तो माला बनी है,
कल्प कल्प बनती रहती है, माला किसका यादगार है ये भी तुम जानते हो, वे तो माला का सिमरण कर बहुत मस्त हो जाते हैं। भक्ति में क्या होता है और ज्ञान में क्या होता है ये भी तुम ही जानते हो, तुम किसको भी समझा सकते हो। पुरुषार्थ करते करते आखरीन पिछाड़ी की रिजल्ट कल्प पहले माफिक निकल आएगी। हर एक अपनी जांच करते रहें, तुम समझते हो हमको ये बनना है। पुरुषार्थ की मार्जिन मिली है, पुरुषार्थ की मार्जिन मिली है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। बाप भी तुम्हारे स्वागत कर तुम्हारा स्वागत करते हैं, बाप का धंधा ही है तुम्हारा स्वागत करना। स्वागत माना सदगति, ये सबसे ऊंचा स्वागत है। तुम सबका स्वागत करते बाप आते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, बहुतों के आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी अपने को बंधन से मुक्त कर सुबह शाम ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। नंबर दो, दूसरी बातों में अपना समय वेस्ट ना कर बाप को याद कर माइट लेनी है। सत के संग में ही रहना है, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देने का ही पुरुषार्थ करना है। वरदान, पवित्रता के वरदान को निज संस्कार, उसको क्या समझ लो कि ये मेरा अपना संस्कार है। पवित्रता के वरदान को निज संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भाव। पवित्रता के वरदान को निज संस्कार बनाओ, तो पवित्रता का वरदान क्या है? पवित्रता का वरदान क्या है? मैं आत्मा बस इसे अपना संस्कार बना दो। जब भी मैं निकले ये स्मृति के साथ निकले कि मैं आत्मा हूं। पवित्र जीवन बनाने वाले, उसके बाद क्या होगा? तुम्हारा जीवन पवित्र बन जाएगा। पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त। अब कोई मेहनत नहीं रही आपके पास। मेहनत मुक्त कब होते हैं हम? मेहनत मुक्त आत्मा समझते हैं। और मेहनत मुक्त कब होते हैं? ट्रस्टी हो जाते हैं जब खुश होते हैं। और कब मेहनत मुक्त होते हैं? जब बाबा से कंबाइंड रहता है। और अच्छी तरह आप नजदीक तो पहुंचे और अच्छी तरह आपको स्पष्ट करे, जब मोहब्बत होती है ना, तो मेहनत नहीं होती। जब बाबा से मोहब्बत होती है तो मेहनत नहीं लगती। इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया। वरदान में मेहनत नहीं होती। और बाबा जब वरदान देते हैं और उस वरदान को नहीं लिया, वरदान दे रहा है बाबा नहीं लिया, इसका क्या मतलब है? बाबा ने वरदान दिया, सबको वरदान दिया, अब किसी ने नहीं लिया, इसका क्या मतलब? ये कोई बात होती है? बाबा ने वरदान दिया, किसी बच्चे ने लिया, किसी बच्चे ने नहीं लिया, ऐसा हो सकता है? बाबा तो किसने धारण नहीं किया, तुम आत्मा हो, अब उसको अपने में समझेंगे हम आत्मा है तभी तो वरदान सिद्ध होगा। वो वरदान लेने की मेहनत हमसे करवाता है, कहता है मैंने तुम्हें वरदान दिया, अब तुम मेहनत करो।
यानी मेहनत क्या करो, इस वरदान को अपने जीवन में धारण करने की मेहनत तुमने करनी है। ऐसे बाप के हम पल्ले पड़ गए हैं, और कोई नहीं मिलता था बाप हमको, इतना सख्त बाप है ये, वरदान देता है फिर कहता है मेहनत भी तुम करो। वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म का पहला पहला वरदान है पवित्र भव योगी भव, योगी बनो पवित्र बनो। जैसे जन्म के संस्कार बहुत पक्के होते हैं तो पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आदि संस्कार निजी संस्कार है। इसी स्मृति से पवित्र जीवन बनाओ, मेहनत से मुक्त बनो स्लोगन है। ट्रस्टी वे है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना हो, जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है वो ट्रस्टी है। ये शुद्ध भावना क्या होती है? जिसमें कुछ भी मिक्स ना हो, जिसमें कुछ भी मिक्स ना हो। तो ये शुद्ध भावना बिना मिक्स वाली क्या होगी? आत्मा की शुभ भावना, आत्माओं के कल्याण की। मेरी शुभ भावना हो कि हर आत्मा जितना भी अनुभव करेगी तो उसे प्यार मिले, अच्छा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।